समारोह का ये मौका महाराष्ट्र को, मुंबई को उन्होंने दिया और इस आयोजन समिति ने बड़ा ही सुंदर समारोह यहाँ पर आयोजित किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। कई लोग ये मानते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र ये भारतीय सिनेमा की जन्मभूमि है, लेकिन भारतीय सिनेमा से भी पुराना इतिहास इस महाराष्ट्र की मराठी रंगभूमि का है, मराठी थिएटर का है, और कई सौ सालों का ये इतिहास सिर्फ व्यवसायिक रंगभूमि के इतिहास को अगर हम देखें तो उसमें भी डॉक्यूमेंटेड इतिहास हमको पौने 200 साल का आज दिखाई देता है। और राम गणेश गडकरी जी ने जिस एकचपाला को मंचित किया, 100 सालों तक मराठी लोगों के मन पर एक नाटक राज कर सकता है और आज भी उतनी ही शिद्दत के साथ लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि ये जो महाराष्ट्र में बसने वाला मराठी मन है, ये कला और संस्कृति को चाहने वाला, उसकी आसक्ति रखने वाला इस प्रकार का ये मराठी जन है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि इस थिएटर ओलंपिक के समापन समारोह के लिए महाराष्ट्र और मुंबई से अच्छी दूसरी और कोई जगह नहीं हो सकती थी, और इसलिए मैं केवल आभार भी नहीं व्यक्त करता तो साथ साथ सभी कलाकारों का, आयोजकों का स्वागत भी महाराष्ट्र की इस भूमि में करना चाहता हूँ। वैसे तो कई लोग ये विचार कर रहे होंगे कि मेरी आदत तो चिल्ला चिल्ला कर भाषण करने की है, और आपने देखा होगा मैं कुर्सी पर बैठा था तो नाना मुझे कुछ कह रहे थे, नाना मुझे यही कह रहे थे कि जरा शांति के साथ भाषण करो। और जब भी मैं जोरों से भाषण करता हूँ, रात को 12 बजे नाना जी का फोन आता है कि जरा अपने गले को संभालो और थोड़ा वॉइस नीचे लो। इसलिए मैं आज उनको पूछना चाहता हूँ कि मैं आज के टेस्ट में पास हुआ हूँ या नहीं। और देखिए, थिएटर तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर समाज की सारी संवेदनाओं को हम प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन राजनीति भी उससे अलग नहीं है। राजनीति में भी कई प्रकार के नाटक हमको करने पड़ते हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ झूठ होते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमारी पब्लिक इतनी होशियार है कि जब नाटक झूठ होता है तो हमको फ्लॉप करती है, और जब हमारी संवेदनाएं सच होती है तो हमको बार बार चुन कर देती है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यही एक समानता थिएटर के बीच और राजनीति के बीच भी है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, लोग आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि एक ज़माना ऐसा होगा कि जब रोबो यही सारी चीज़ें करेंगे। मैं मानता हूँ कि ये संभावनाएं दिख रही है। आज हम जापान में चले जाए या चीन में चले जाए, आज सारी इंडस्ट्री रोबो चला रहे हैं, ये सारी चीज़ें तो रोबो चला सकते हैं, लेकिन संवेदनाएं जो होती है वो रोबो में कभी आ नहीं सकती। जो मानवीय संवेदनाएं हैं, उन मानवीय संवेदनाओं के कारण मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे बीच की जो मानवता है वो जीवित है। और आज जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री तकनीक के माध्यम से बहुत आगे जा रही है, आज हम तकनीक के माध्यम से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को तैयार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के विजुअल इफेक्ट दे सकते हैं, लेकिन थिएटर की ताकत को देखिए, इस प्रकार की तकनीक के न होते हुए भी केवल अपने अभिनय से उन विजुअल इफेक्ट्स को तैयार करने की ताकत हमारा थिएटर रखता है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारे थिएटर को
कभी भी कोई समाप्त नहीं कर सकता और पीढ़ी दर पीढ़ी ये समृद्ध होता रहेगा, हम सभी को जीवन की वास्तविकता से मिलाता रहेगा और इसी प्रकार के आयोजनों के माध्यम से पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है उस संकल्पना से वो मिलाता रहेगा। मैं फिर एक बार इस थिएटर ओलंपिक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।